शहर के मांगरूल रोड पर इज्जत-ए-माई शादी का आयोजन किया गया। यहाँ 51 जोड़ों ने रिश्तेदारों, कौम के बुजुर्गों, प्रबुद्ध जनों, युवाओं और समाज के लोगों की मौजूदगी में इस्लामी तरीके से निकाह कबूल किया। कमेटी के रियाजुद्दीन शेख ने बताया कि आज के इस महंगाई के दौर में सामूहिक शादियां फिजूल खर्चे रोकने, समय बचाने तथा समाज के उत्थान के लिए सबसे बेहतरीन माध्यम है। सामूहिक शादियों को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ सम्मेलन में लोगों को तालीम की अहमियत का संदेश दिया गया। इज्जत-ए-माई शादी में जिले सहित पड़ोसी जिले के वर वधु विवाह बंधन में बंधे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये सम्मेलन हमेशा मतलब हर बार करना चाहिए। कितने लोग गरीब हैं जो शादी भी अपने बच्चों की या बच्चों की नहीं कर पाती, तो इस सम्मेलन से इन लोगों को फायदा है। और क्या कहते हैं, सम्मेलन हमेशा हर बार करना चाहिए, हर साल होना चाहिए। गरीबों को इससे क्या फर्क पड़ेगा? गरीबों मतलब अभी समाज में बहुत ज़्यादा गरीब है और बहुत से लोग बहुत गरीब हैं जो अपने बच्चा बच्ची की शादी नहीं कर पाते हैं, तो इससे वो अपने बच्चा बच्ची की और उनके मतलब उनके इसका खर्चा भी कम लगता है और शादी इसमें हो जाती है। आप ऐसे सारे इस्तेमाल से संतुष्ट और है? बिल्कुल, बहुत अच्छा व्यवस्था की गई है यहाँ पे खाने की भी, व्यक्ति का शादी अगर करे तो इंसान को ज़्यादा खर्चा लगता है। मतलब व्यक्ति का शादी करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। इस तरह सम्मेलन में शादी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आम जन को क्या संदेश देना चाहोगे इस सम्मेलन? आम जन को क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश देना चाहोगे आप इसके लिए? ये देना चाहेंगे शादी। क्या नाम है आपका? कहाँ से है आप? खरगोन की बेटी हूँ। मुस्लिम इज्जत-ए-माई शादी कमेटी द्वारा 51 जोड़ों का निकाह हो रहा है जो सभी दूल्हा दुल्हन आ गए हैं। हमारा मकसद फिजूल खर्ची और आज के दौर में जो हालात देश में चल रहे हैं, हर आदमी गरीबी से जूझ रहा है, उसको देखते हुए हमारे कौम के बड़े अफराद और हम सब साथियों ने मिलकर इज्जत-ए-माई शादी कमेटी का एहतजाज किया है जिसमें 51 जोड़े आए हैं, तो इंशाल्लाह अभी निकाह उनका होगा। कहाँ कहाँ से जोड़े सम्मिलित हुए? खरगोन जिले सहित आसपास के सभी जिलों से, खंडवा जिला, खरगोन जिला, धार जिला, बड़वानी जिला, इंदौर तक के, इंदौर संभाग कहेंगे अपन, इंदौर संभाग के सभी लोग जोड़े शामिल हुए हैं। और कमेटी की तरफ से ही दहेज और खाने का इंतजाम किया गया। और आम जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? आम जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? आम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज के दौर में अमीरी गरीबी भुलाकर ऐसे आयोजन करें ताकि हर गरीब इस आयोजन में अपने बच्चों का निकाह कर सके और अपने आप को आसानी महसूस करें। क्या नाम है आप? रियाजुद्दीन शेख। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।